हेलो मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान में। आज हम फिर आपके लिए एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन का अपडेट लेके आ गए हैं जो निकल रही है डीडी नेशनल से। तो यहाँ एमटीएस की पोस्ट मिल रही है, 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दिखा देते हैं, उसके बाद भी ऑफिशियल पीडीएफ जो विभाग ने जारी की है वो दिखा देंगे। तो यहाँ देख सकते हो, पहले डीडी नेशनल में आई सीधी भर्ती है, ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। इसमें जो आपको पोस्ट मिल रही है वो मिल रही है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, एमटीएस की पोस्ट मिल रही है। अब यहाँ देख सकते हो एमटीएस की पोस्ट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। तो इसमें जो योग्यता रखी गई है, क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, सिंपल 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ऑल इंडिया का रिक्रूटमेंट है और ऑल जो जॉब की लोकेशन रहेगी वो भी ऑल इंडिया ही रहेगी। अभी हम बात करते हैं सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई। तो आगे की प्रक्रिया जानने से पहले हम आपको एक जानकारी दे देते हैं, यदि आपको किसी भी परीक्षा के पुराने पेपर्स, स्टडी मटेरियल्स और करंट अफेयर्स की यदि आपको आवश्यकता है तो आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं फ्री में, और वहां हमें आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और महिला पुरुष दोनों इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों। इसी के साथ हम बात करते हैं इसमें आपको जो वेतन है वो क्या दिया जाएगा। तो 16,858 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन मिल जाएगा, तो वेतन भी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में अच्छा मिल रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा देख सकते हो 18 से लेकर 25 ईयर्स जनरल के लिए 18 से लेकर 25 ईयर्स, और ओबीसी के लिए यहाँ रखा गया 28 वर्ष, और एससी एसटी के लिए 30 ईयर्स का कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं के लिए जो है 5 साल की छूट मिल रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं आवेदन शुल्क। तो जनरल और ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये, ठीक है मित्रों, और जो अदर कैटेगरी है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पे देने पड़ेंगे। तो किस प्रकार ये फॉर्म आपको अप्लाई करना है हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखा देते हैं। कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एससी एसटी